मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक वो और भी समय की मांग कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी रिपोर्ट, इसी कमेटी की रिपोर्ट पर बना पर यह फैसला होना है कि मामले का निपटारा मध्यस्थता के ही जरिए आगे बढ़ाया जाएगा या फिर रोजाना सुनवाई होगी, जिसकी मांग कम से कम हिंदू पक्ष लगातार करता रहा है क्योंकि मध्यस्थता से इतने वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट जो मांगी गई है उसमें ये कहा गया है, अभी सूत्रों के हवाले से ही खबर है, कि कोर्ट से और समय मांगा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सुनवाई को लेकर भी कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, यानी एक बार फिर से मामला लगता है लटक गया है, आगे के लिए बढ़ गया है। जिस मध्यस्थता कमिटी को गठित किया गया था उनसे ये पूछा गया था कि क्या मध्यस्थता की गुंजाइश इतनी है कि उसके भरोसे रुका जाए या फिर नहीं। शिवेन अयोध्या से हमारे साथ सीधे सी खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवेन, खबर ये आ रही है कि मध्यस्थता कमिटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि थोड़ा सा वक्त और दिया जाए, यानी मामला और लटका। शिवेन जी, बिल्कुल। देखिए अंजना, जिस तरह की मध्यस्थता रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अपील की गई है उससे तो यही साफ लगता है और यही इसी बात की रिट पिटीशन लगाई गई थी कि ये जो मध्यस्थता कमेटी है वो कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती दिख नहीं रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे और इस मध्यस्थता कमेटी का कोई मतलब नहीं बनता है। इसी के लिए आज स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी और उस पर जो चीफ जस्टिस हैं, जो वो हैं, उनको फैसला करना था। लेकिन आज जो रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहा गया है कि अभी उनको वक्त कुछ और चाहिए, जिसके बाद आगे मध्यस्थता कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचेगी, इसकी अपील की गई है। इससे साफ है कि अभी जितने भी पक्षकार, जितने भी लोगों को बातचीत के लिए शामिल किया गया था, वो एक मत नहीं हो पा रहे हैं। यानी इतने क्रूशियल मामले का अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट दिखता नजर नहीं आ रहा जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में कह सकें कि साफ तौर पे हम इस बात पर राजी हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है क्योंकि इससे साफ है कि ये मामला अभी और खिंचेगा और इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर हैं वो अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हालांकि इन बातों का खुलासा नहीं किया जा सकता कि आखिरकार कौन क्या सोल्यूशन चाहता है, लेकिन ये रिपोर्ट साफ तौर पर किसी अभी नतीजे पर पहुंची नहीं है।